नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार झारखंड नेटवर्क। झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर हमारी टीम रोजाना आपको अलग अलग पंचायत क्षेत्रों से रूबरू करवा रही है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत कतवान प्रखंड मोहनपुर पहुंची और वहां के वर्तमान मुखिया हिमांशु शेखर यादव से मुलाकात किया। तो चलिए लाइव सेशन में आज आपको रूबरू करवाते हैं मुखिया हिमांशु शेखर यादव से। हिमांशु जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु जी लाइव बिहार झारखंड नेटवर्क में आपका। जी आपको भी। हिमांशु जी, कार्यकाल खत्म होने को आया, जितना विकास हुआ पंचायत का, जितना होना था हुआ ना, कुछ अधूरा रह गया कार्य? विकास हुआ है, कुछ अधूरा तो रहा है जी। तो हिमांशु जी, मुख्य रूप से कौन कौन सी योजनाओं पे कार्य हुआ है आपकी पंचायत में? मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास हुआ है, डोभा हुआ है, सिंचाई नाला हुआ है, कुआं हुआ है मनरेगा के तहत। जी जी, आवास योजना के, आवास योजना के अंतर्गत कितने लोगों को लाभ मिला है हिमांशु जी आपके कार्यकाल में? मोटा मोटी 1000 से ऊपर आदमी को आवास मिला है जी। अभी और रिक्वायरमेंट है, नाम पेंडिंग में है? हाँ हाँ है, सूची में नाम है आवास जी, में। जी। और नल जल योजना की क्या स्थिति है, उसके अंतर्गत कार्य कितना आगे बढ़ा है? नल जल योजना सभी गाँव का, मतलब क्या कहते हैं, ग्राम सभा करके चयन हो गया है, काम अभी चल रहा है। मोटा मोटी बोरिंग का काम हो चुका है, टंकी बन रहा है, नाली का नल जल चार गांव में हुआ है। जी जी, हिमांशु जी, जल मीनार कितने लगवाए हैं आपने कार्यकाल में आपने? हाँ, 6-7 को लगा है जी। और राशन कार्ड की क्या स्थिति है, ग्रीन कार्ड के अंतर्गत कितने लोग को इस पर लाभ मिल रहा है? राशन कार्ड 800 है पूरा पंचायत में जी। और पेंशन योजना, उसके अंतर्गत कितने लोगों को? पेंशन योजना मात्र 56 आदमी बचा हुआ है जी, बाकी सब हो गया है जी। शौचालय का निर्माण कितना हुआ होगा आपके कार्यकाल में हिमांशु जी? शौचालय का निर्माण 950 लगभग हो गया है जी। और PCC के अंतर्गत कितना कार्य हुआ? PCC हुआ है सभी गाँव में, थोड़ा 200-400 करके हुआ है जी। और बिरसा हरित योजना जो राज्य सरकार की एक योजना आई, जी जी, उस पर कार्य कितना हुआ? हाँ, वृक्षारोपण का काम हुआ है 22 एकड़ में जी। हिमांशु जी, ये बताइए कि इस पंचायत में आपका ये पहला कार्यकाल है या दूसरा? दूसरा है। तो काफी समस्याओं से अपन रूबरू हो गया और जानकारी होगी जी जी जी। तो इस वक्त क्या प्रमुख समस्या चल रही है पंचायत में, ज्यादातर लोग किस समस्या की बात करते हैं आपसे? अभी समस्या मनरेगा का मजदूरी भुगतान और सामग्री मटेरियल पेमेंट में थोड़ा कठिनाई हो रहा है जी। मनरेगा में मुख्यतः क्या क्या कार्य हुए हैं आपके यहाँ? मनरेगा से सिंचाई कूप बना है, शेड बना है जी, नाला बना है जी जी, TCB कटा है। हिमांशु जी, आपके पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं? स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। नहीं है? स्वास्थ्य उपकेंद्र मतलब सेंटर है, लेकिन आवास नहीं बन पाया। अच्छा, तो उपकेंद्र पर मतलब व्यवस्था है लोगों के इलाज के लिए? हाँ, व्यवस्था है, मतलब हम लोगों के पास फंड नहीं है, हम लोग नहीं बना सकते हैं, लेकिन ऊपर में प्रयास कर रहे हैं, लिखित दिए हुए हैं जी जी। और कोई समस्या जो आप बताना चाहेंगे पंचायत से संबंधित? समस्या है और हमारे यहाँ रोड, पक्की रोड चाहिए, 3 रोड है, जैसे 1 है देवघर दुमका मुख्य पथ से मनसा राय कुरेवा होते हुए लोढ़ीवरण गांव तक, और एक दूसरा रोड है तपोवन मुख्य मार्ग से तीनघरा होते हुए भाया जमुआ होकर जमुआ जोरिया तक जाना है, और तीसरा एक रोड है सिमरा किता, तपोवन मुख्य मार्ग से सिमरा किता गांव होते हुए गणियारी गोवर्धा तक जाना है, उसमें बहुत लोगों का आवागमन होगा जी। तो सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे हिमांशु जी? जी, सरकार से क्या मांग करेंगे पंचायत के लिए आप? यही सब, ये तीनों रोड बन जाए, 2 पुल का जरूरत है। सरकार से क्या मांगेंगे? सरकार से यही मांगना चाहेंगे, समय भुगतान हो जाए मजदूरों का, और पेंशन वगैरह में भी देखते हैं समय पर वृद्धा पेंशन पेमेंट नहीं हो पाता है जी जी।
यही सब समस्या है। हिमांशु जी, क्या लगता है इस बार जीत की टिकड़ी फिर लगेगी आपकी, लोगों पे कितना कॉन्फिडेंस? वो तो जनता का, वो तो जनता कह सकते हैं सर, लेकिन क्या कहें जी, तो हम एक माहौल, आपको पता जब लोग माहौल हमारा एकदम 100%, उसमें कोनो दिक्कत नहीं है जी। जैसे लोगों का कहना है 100% हमने काम किया है, 24 घंटा में 18 घंटा जनता का सेवा में रहते हैं जी। जी हिमांशु जी, चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को, अपने पंचायत की जनता को चुनाव के लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, ऐसे हम एक ठो गांव पंचायत का विकास करने के लिए हाट लगाए हैं, हाट से भी उपार्जन हो रहा है, रिसोर्स बढ़ रहा है पंचायत का जी, और गरीब लोगों का, किसान लोगों का हाट से बहुत फायदा हो रहा है, लाभ मिल रहा है जी। जैसे जी जी, जैसे हमने अगले बार जब जी अगले बार मुखिया थे, अगले जैसे 15 के पहले, उसमें हम बेस्ट कार्य हेतु हमको, मेरा पंचायत को 12 लाख रुपया प्रधानमंत्री जी दिए थे माननीय, और मुख्यमंत्री जी भी 1 लाख रुपया दिए थे पंचायत का विकास के लिए, वो सब भी हमने काम किया है, विकास हुआ है जी। जी जी हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बिहार झारखंड नेटवर्क से बातचीत करने के लिए जी। जी तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए वर्तमान मुखिया हिमांशु शेखर यादव, जिन्होंने बताया कि 10 वर्षों से बतौर जनप्रतिनिधि पंचायत में हैं, पंचायत के विकास के लिए तमाम प्रयास किए हैं, योजनाओं को धरातल पर उतारा है, लेकिन अभी भी उन्होंने कहा कि बहुत से कार्य फंड के अभाव में अभी भी बाकी रह गए हैं। जिस तरीके से मैंने कार्य किया है, मुझे उम्मीद है कि लोग एक बार फिर मुझे अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, और चुन के आने के बाद इस पंचायत के विकास के लिए जो भी कार्य होंगे मैं उसे करूंगा। साथ ही उन्होंने सरकार से गुहार लगाई कि मनरेगा में जो लोगों को मजदूरी होती है उसका भुगतान जल्द से जल्द किया जाए, इसके में बहुत परेशानी सामने आ रही है। साथ ही विधवा पेंशन में भी थोड़ी सी समस्या पंचायत में अभी मौजूद है। ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें लाइव बिहार झारखंड नेटवर्क।